नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम दीप्ति कश्यप है। मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बीकानेर में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग विभाग में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग तृतीय वर्ष के टेक्सटाइल फैब्रिक की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नेचुरल फाइबर्स में, जिनमें कि एनिमल फाइबर्स, प्राणिज्य रेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राणिज्य रेशे दो प्रकार के होते हैं, भेड़ से और ऊँट से, लामा से, अन्य पशुओं से के बालों से जो रेशा प्राप्त होता है, भेड़ से के रेशों से जो रेशा प्राप्त, बालों से जो रेशा प्राप्त होता है वो वूल फाइबर कहलाता है, और रेशम के कीड़े से जो हमें रेशा प्राप्त होता है वो सिल्क फाइबर कहलाता है। ये दोनों ही प्राकृतिक रेशे हैं और प्राणिज्य रेशे हैं। तो आइए आज हम इन दोनों रेशों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ऊन और रेशम दोनों ही प्राणिज्य रेशे हैं, दोनों ही प्रोटीन के बने हुए होते हैं। सबसे पहले हम वूल फाइबर के बारे में बात करते हैं। वूल को अगर उसका श्रेणीकरण किया जाए तो ऊन जो होती है वो चार प्रकार की होती है। पहली है प्रथम श्रेणी की ऊन, जिसकी की फाइबर लेंथ 1 से 5 इंच तक होती है और ये मजबूत होती है और इस पर स्केल्स जो होते हैं वो 3000 से लेकर के 4000 तक होते हैं। उसके बाद आती है द्वितीय श्रेणी की ऊन, जिसके फाइबर जो होते हैं वो 2 इंच से लेकर 4 इंच तक लंबे होते हैं और शल्क बहुत कम पाए जाते हैं। तृतीय श्रेणी की ऊन, जिसकी फाइबर लेंथ 4 इंच से 18 इंच कड़ा और कड़कीला रेशा होता है, और क्लास 4 वूल जो होती है वो मिली जुली जाति की भेड़ों से प्राप्त होती है और ये रफ और कड़कीली होती है, जो कि गलीचे आदि बनाने के काम में लाई जाती है। अगर क्लासिफिकेशन करें हम वूल का, तो सबसे पहले लैम्ब वूल आती है जो कि सबसे अच्छी ऊन कहलाती है। उसके बाद हॉगेट वूल, वर्जिन वूल, पुल्ड वूल, कोटी वूल, टैगलॉक वूल, डेड वूल और कारपेट वूल, ये सारी वूल जो हैं वो क्लासेस ऑफ वूल कहलाती हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस की बात करें तो ऊन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हाथ के द्वारा भेड़ के बालों की कटाई की जाती है, फिर उनका छटाई और श्रेणीकरण किया जाता है लंबाई के आधार पर और उनकी बारीकी और महीनता के आधार पर। उसके बाद सफाई और एवं धुलाई की जाती है, क्योंकि ऊन का रेशा जो है वो प्राणिज्य रेशा है जिस पर कुछ एनिमल अशुद्धियां पाई जाती हैं, जैसे ग्रीस होता है और धूल, मिट्टी, बीज, कांटे वगैरह जो उनके बालों में अटके हुए रहते हैं, ग्रीस आदि पाया जाता है जिनको कि साफ करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये 3 तरह से स्कोरिंग प्रोसेस किया जाता है। पहला है साबुन के घोल से उसको धोकर के साफ किया जाता है, देन उसके बाद स्कोरिंग बाय वर्सेटाइल सॉल्वेंट यानी बाष्पित घोलक के द्वारा उनको साफ किया जाता है, और तीसरा होता है कार्बोनाइजिंग, जिसमें HCl H2SO4 के द्वारा उनकी सफाई की जाती है। देन वूल फाइबर को सुखाया जाता है। सुखाने के बाद ऊन के रेशों पर तेल लगाया जाता है। तेल ऑयलिंग से क्या होता है कि वो रेशे नरम हो जाते हैं। देन कार्डिंग, कोम्बिंग और ड्राइंग आउट और स्पिनिंग और देन उसके बाद वीविंग आदि की प्रक्रियाएँ होती हैं। यदि हम ऊन की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले विशेषताओं में हम देखते हैं कि भौतिक विशेषताओं में उसका कि संगठन कैसा है, ऊन का संगठन किस प्रकार का है। तो ऊन जो है वो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसमें कार्बन 49, ऑक्सीजन 24, नाइट्रोजन 16 और हाइड्रोजन 7 और सल्फर 4% पाया जाता है, और इसमें कैरोटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यदि हम सबसे पहले अगर हमें ऊन को समझना है तो उसकी सूक्ष्मदर्शी रचना को समझना अत्यंत आवश्यक है। वूल फाइबर का यदि हम क्रॉस सेक्शन देखें, अनुप्रस्थ काट देखें, तो सबसे जो बाहर की जो लेयर होती है वो क्यूटिकल यानी बाहरी बाह्य परत होती है, जिसको कि हम प्रोटेक्टिक लेयर भी कहते हैं। ये सुरक्षात्मक लेयर होती है। इसी लेयर पर स्केल्स पाए जाते हैं। शल्क स्केल्स यानी कि 1000 से लेकर के 4000 तक इनकी संख्या होती है। जितनी अधिक शल्कों की संख्या होगी ऊन उतनी ही प्योर, उतनी ही गर्म होती है। शल्कों के किनारों पर सरेशंस पाए जाते हैं, जिन्हें कि हम टीथ कहते हैं। जितनी ऊन खुरदरी और मोटी होगी उसमें शल्कों की संख्या कम और सरेशंस की संख्या ज़्यादा होती है। मतलब कह सकते हैं कि शल्कों की संख्या पर ही ऊन की क्वालिटी जो होती है वो निर्भर करती है। देन उसके बाद कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स जो होती है बहुकोश की लेयर होती है, जिसमें कि मेलानिन पाया जाता है, और यही लेयर जो होती है ऊन की प्रतिस्कंदता, मजबूती, प्रत्यास्था आदि, कोमलता आदि को डिनोट करती है। उसके बाद सबसे अंदर की लेयर जो होती है वो मेड्यूला कहलाती है। मेड्यूला गोलाकार
गोलाकार होती है और उच्च श्रेणी के जो रेशों में ये बहुत कम विकसित होती है, लेकिन निम्न श्रेणी के मोटे रेशों में जो है ये बहुत ज़्यादा विकसित होती है। यदि हम व्यास की बात करें, यदि व्यास की बात करें तो व्यास जो होता है 0.005 से लेकर के 0.5001 माइक्रोन तक होता है, और लंबाई जो होती है वो 1 इंच से लेकर 4 इंच और कभी कभी 7 से लेकर के 8 इंच तक भी लंबे वूल फाइबर पाए जाते हैं। चमक उच्च कोटि के जो जितना उच्च कोटि का प्योर वूल होता है उसकी चमक उतनी ही कम होती है, और जितना निम्न कोटि का वूल होता है उसकी चमक जो होती है उतनी ही ज़्यादा होती है। रंग जो होता है वो सफ़ेद से लेकर के काला तक होता है, और मजबूती जो होती है वूल फाइबर कमज़ोर होता है, और प्रत्यास्था प्रतिस्कंदता बहुत अच्छी होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकी इलास्टिसिटी अच्छी होने के कारण इसकी लटकनशीलता भी जो होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आर्द्रता प्रतिधारण की बात करें तो ये 30% से अधिक जो है वो आर्द्रता प्रतिधारण कर सकता है। शिकन प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। धुलाई जो होती है वो बहुत कठिन होती है, हम इसको साधारणतः नहीं धो सकते, इसको धोने के लिए सावधानी की आवश्यकता होती है। धूप का प्रभाव हानिकारक पड़ता है। फफूंदी जो होती है वो लग सकती है, और ये ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। यदि हम देखें कि ऊन गर्म क्यों होता है, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो वो जो वूल फाइबर होता है उस पर स्केल्स पाए जाते हैं, और स्केल्स के किनारों पर क्या होते हैं, सरेशंस होते हैं, तो जिससे वूल हमारे जो कह सकते हैं कि बॉडी हीट जो होती है वो इन शल्कों में फंस करके रह जाती है, और बाहर की जो हवा होती है वो इन ऊन उन्हीं रेशों के शल्कों में फंस जाती है, जिससे एक गर्म लेयर बन जाती है और हमें गर्माहट का आभास होता है। वूल फाइबर के जैसे ही हमारा एक अन्य रेशा है प्राणिज रेशा सिल्क। सिल्क भी जो है बिल्कुल उसकी जो कह सकते हैं विशेषताएं हैं, या उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो तकरीबन वूल की तरह ही होता है। बस केवल ये होता है कि उसको उस पर एक जैसे डीगमिंग करना और सिल्क को सर्व सुलभ करने के लिए सब लोगों के पास वो आसानी से उसका हैंडल हो सके, उसके लिए उसमें कुछ वेटिंग की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें कि टिन और लोहे की सहायता से उसको भार प्रदान किया जाता है। उसके अलावा कार्डिंग कोमिंग सारी प्रक्रियाएं वो ही रहती हैं। और अगर हम रेशम की विशेषताओं की बात करें तो ये भी एक प्रोटीनियस फाइबर है जिस पर सेरेसिन नामक का गोंद पाया जाता है, जिसको कि हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते समय हटाना पड़ता है। अगर हम सूक्ष्मदर्शी रचना की बात करें तो ये चिकने कोमल होते हैं, और व्यास जो होता है वो 0.00059 से लेकर के 0.0018 इंच तक होता है। लंबाई जो होती है इस फाइबर की ये सबसे ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि अपवाद रूप में प्राकृतिक रेशों में रेशम जो होता है वो सबसे ज़्यादा लंबा रेशा होता है, फिलामेंट फाइबर होता है, जिस जो कि 300 से लेकर के 1800 मीटर तक लंबा होता है। रंग जो होता है उज्जवल होता है, क्रीम पीला या भूरा होता है, अत्यंत चमकदार होता है, चमक बहुत अच्छी होती है। मजबूती लंबा होने की वजह से सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। फफूंद एवं कीड़े इस पर कोई विशेषतया नहीं लगते हैं। प्रत्यास्था बहुत अधिक होती है, लेकिन उन्हीं रेशों से की तुलना में कम होती है। प्रतिस्कंदता यानी रेजिलियंसी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उन्हीं रेशों से कम होती है। और आर्द्रता प्रतिधारण 10% होता है। सल्फाई और धुलाई में भी अधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। रगड़ हानिकारक होता है, और धूप एवं प्रकाश का भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने ऊन और रेशम की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उनकी विशेषताओं को जाना। थैंक यू सो मच।